हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जो कि जेआईबी का हमारा पहला पेपर होता है, उसी के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आपके फरवरी 2022 में पूछे गए, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं। यूट्यूब जो चैनल है, कई सारे एस्पिरेंट्स ने वहाँ पे कमेंट्स किए थे, पर्सनल कमेंट्स में भी ये क्वेश्चंस बताए थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर भी सारे क्वेश्चंस पोस्ट थे, तो वहाँ से इन सभी क्वेश्चंस को मैंने एक ही जगह वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन आज हम इसको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज प्रोविजन फॉर D1, D2 एंड D3 सिक्योर लोन। तो D1, D2, D3 क्या होता है? डाउटफुल, डाउटफुल 1, 2 एंड 3। इसकी प्रॉपर कैटेगरी होती है, सिक्योर भी होता है, अनसिक्योर भी होता है। तो जब D1 में आता है तो उसमें सिक्योर पोर्शन के लिए कितना प्रोविजन रखना पड़ता है? सो D1 के लिए 25% रहता है, D2 के लिए 40% रहता है और D3 के लिए 100% रहता है। ठीक है, पहले लोन NPA होता है, NPA के बाद सबस्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड के बाद डाउटफुल कैटेगरी में आता है, डाउटफुल 1, 2, 3। पहले एक साल तक डाउटफुल 1 में रहता है, फिर उसके आगे के 2 साल तक डाउटफुल 2 में रहता है और उसके आगे फिर वो डाउटफुल 3 कैटेगरी में जाता है। तो कितना है? 25%, 40% और 100% है। ये क्या है? सिक्योर्ड, मतलब जो भी आपका सिक्योर पोर्शन होगा, तो D1 में सिक्योर पोर्शन का 25% प्रोविजन रखा जाएगा। ऐसे जब डाउटफुल 2 वाली कैटेगरी में आएगा तो सिक्योर पोर्शन का 40% रखा जाएगा, और जब डाउटफुल 3 कैटेगरी में आएगा तो सिक्योर पोर्शन का 100% प्रोविजन रखा जाएगा बैंक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोविजन फॉर D1, D2, D3 अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, सिक्योर, ये सिक्योर वर्ड नहीं है। अनसिक्योर्ड जो लोन होता है वहां पे कितना प्रोविजन है? चाहे आप D1 बोलिए या D2 या D3, तीनों ही कैटेगरी में ये 100% रहता है। तो आंसर कितना हो गया इसका? 100%। तीसरा क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज सरसाई, मतलब सरसाई क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और ये क्या काम करती है, मतलब ये किस पर्पज के लिए बनाई है। सो सरसाई का फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सो इसका जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटेशन। इसके नाम से आपको पता लगेगा कि इसका काम क्या है। तो सिक्योरिटेशन मतलब जो भी हमारे असेट्स है उसकी सिक्योरिटी के लिए ये हेल्प करती है। जनरली सरसाई का साइट होता है, आपने देखा होगा, जैसे बैंकों में आप हाउसिंग लोन कुछ भी सैंक्शन करते हैं तो लोन सैंक्शन करने के बाद टाइम होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको सरसाई साइट में डिटेल्स एंटर करनी, वो आपको करना होता है। वहाँ पे प्रॉपर आपका हाउसिंग लोन कौन सा है, मतलब जो मॉर्गेज लोन है उसका डिटेल्स इसमें जनरली आप ऐड करते हैं। ठीक है, जितना भी मॉर्गेज है, जैसे आपने कोई मकान दिया है कस्टमर को लोन के लिए, या फिर घर के लिए दिया, या किसी भी मॉर्गेज पर्पज़ की चीज़ों को यहाँ पर आप एंटर करते हैं। तो इसका यूज़ क्या है, मतलब इससे अगर ये नहीं था उससे पहले कैसे काम चल रहा था? तो इससे पहले नहीं था, जब सरसाई नहीं हुआ करता था, तो मतलब एक तरीके का सेंट्रल मैकेनिज्म है। इस सरसाई की साइट बनाई गई है, और इस साइट में होता क्या है कि हर बैंक अपना डिटेल्स एंटर कर रहे हैं। तो कोई कस्टमर क्या कर सकता है कि एक बैंक से लोन ले सकता है, उसका बहुत अच्छा घर है और उसने उसको सिक्योरिटी मान के एक बैंक से लोन लिया, उसी घर को सिक्योरिटी मान के वो दूसरे बैंक के पास जाता है, बोलता है ये देखिए मेरा घर है, इसकी कीमत 1 करोड़ है, तो आप मेरे को लोन दीजिए। ऐसे 4-5 बैंकों के पास जाता है, तो बैंकों को कैसे पता रहेगा कि ये कस्टमर ऑलरेडी किसी और बैंक से इस सिक्योरिटी के नाम पर लोन ले चुका है? वो सरसाई साइट से पता लग जाएगा। मतलब एक कॉमन नंबर दे देना, जैसे आपका पैन नंबर है कॉमन है, इसे पता लग जाता है कि आप है, वैसे सरसाई मतलब यहाँ साइट में आप एंटर करोगे, अपने घर की डिटेल्स डालोगे, सारी बैंक सारी डिटेल्स इसमें एंटर करता है, वही होता है सरसाई। फुल फॉर्म यहाँ पे हमने इसका देख लिया है। और ये कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 8 के तहत इसको बनाया गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये साइट है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, ये मतलब सरसाई बनाई गई थी साइट, इसका मेन पर्पस यही था कि आइडेंटिफाई करना, मतलब पता लगाना एंड चेक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इन लेंडिंग ट्रांजेक्शन अगेंस्ट इक्विटेबल। तो इक्विटेबल मॉर्गेज क्या है? जो भी प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे मॉर्गेज टर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, तो पता लगाना और कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो, जब भी आपने कोई लोन दिया और कस्टमर फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, कैसे फ्रॉड कर रहा है कि एक ही प्रॉपर्टी को दिखा के 4-5 जगह अलग अलग बैंकों से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वही फ्रॉड हो गया। इन अदर वर्ड्स, द सरसाई वाज एस्टैब्लिश्ड टू डिस्करेज एंड प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस ऑफ टेकिंग आउट वेरियस लोन फ्रॉम सेपरेट बैंक यूजिंग द सेम असेट, और मतलब एक ही प्रॉपर्टी को लेके ऐसा बहुत हो रहा था, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी। ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर्स हैं वो भी काफ़ी शातिर होते हैं, वो भी जानते हैं कि कैसे क्या किया जा सकता है, तो उनके लिए फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो पहले ऐसा होता था कि एक ही प्रॉपर्टी थी, उसी प्रॉपर्टी को दिखा के कि हाँ ये मेरा एक घर है जिसकी कीमत 1 करोड़ है, 4-5 बैंक अलग अलग जगह से लेकर ना सेवरल बैंक्स, कई सारे बैंकों से लेंडिंग यानी कि लोन लेता था कस्टमर, तो उसी को डिस्करेज करने के लिए, रोकने के लिए सरसाई बना गया। इसका लॉस क्या है? इसका लॉस ये कि 1 करोड़ का घर दिया, 1 करोड़ के लिए एक बैंक ने मान लीजिए 80 लाख दिए, दूसरा बैंक ने 80 लाख दिया, ऐसे करके 5 बैंकों ने 80 लाख दिया, तो 80 × 5 कितना हो गया? ये हो गया 40, मतलब 4 करोड़। 4 करोड़ का लोन दिया और उसकी सिक्योरिटी कितनी, मान लीजिए घर की कीमत है 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ के घर के नाम पे 4 करोड़ का बैंकों का पैसा फंस गया एक तरह से। तो देखा जाए तो 4 करोड़ में से 1 करोड़ का तो चलो सिक्योरिटी, जो 3 करोड़ है वो अनसिक्योर लोन होगा। क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि इसी घर के लिए बाकी बैंकों ने भी दिया, फिर बैंकों का आपस में लड़ाई होगा कि हाँ ये मैंने पहले लोन दिया या ये बाद में लोन दिया। तो इस तरह की सिचुएशंस को दूर करने के लिए सरसाई एकदम बेस्ट साइट है, वहाँ डेटा एंट्री करेंगे। आपको मालूम भी होगा जब भी हम सरसाई में साइट एंटर करते हैं तो वहाँ
100 प्लस जीएसटी लगता है जो कि आपका 18% जीएसटी, तो 118 रुपये हम क्या करते हैं कस्टमर के अकाउंट से उसके लिए डेबिट करते हैं। तो प्रॉपर वो सरसाई का सेट है क्योंकि उसकी डिटेल हम एंटर करें, तो इसलिए वो जो चार्ज है वो हम कस्टमर से ही लेते हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, वट इज़ NACH? पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल NACH का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। और ये किसने इंप्लीमेंट किया, ये NPCI। NPCI कौन है? RBI की सब्सिडरी है, ठीक है। 100% RBI की सब्सिडरी है कौन? NPCI। NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो उसी ने इंप्लीमेंट किया नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसका क्या यूज़ है, मतलब NACH किस काम आता है? तो जो भी बैंक्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या कोई भी कॉर्पोरेट्स है, कोई गवर्नमेंट है, तो ये वेब सॉल्यूशन है किसके लिए, कि आपको बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम की कोई ट्रांजेक्शन करनी है, हाई वॉल्यूम्स हो या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन जो कि बहुत रिपीटिटिव हो, मतलब बार बार आपको ट्रांजेक्शन करनी, हर महीने ट्रांजेक्शन करनी है, लेकिन ना रिपीटिटिव हो, पीरियडिक इन नेचर हो, मतलब आप चाहते हो कि हर साल आपके अकाउंट से LIC की पॉलिसी का प्रीमियम कट जाए, या आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया, आप चाहते हो कि हर साल आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम ऑटोमेटिक कट जाए, तो वो NACH की हेल्प से ही होता है। इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग बल्क ट्रांजेक्शन टूअर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सब्सिडी। कई बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो लोग हैं, जनता है, उनको सब्सिडी देती है, LPG गैस का सब्सिडी हो गया या खाने पीने का किसी भी चीज़ का सब्सिडी देती है, तो उसके तहत उनके अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं जो कि बल्क पोस्टिंग बोला जाता है, मतलब एक बार में बहुत सारे अकाउंट में पैसा, जैसे कि सैलरी क्रेडिट होती है जिसमें क्या होता है बल्क पोस्टिंग होती है, तो वहाँ पर NACH जो है सिस्टम काम करता है। एंड ऑल्सो फॉर बल्क ट्रांजेक्शन टूवर्ड्स कलेक्शन ऑफ पेमेंट। तो आपको मतलब ये दोनों तरफ, ये डेबिट में भी होता है, NACH डेबिट भी होता है और NACH क्रेडिट भी होता है। डेबिट में क्या होगा कि बहुत सारे अकाउंट एक साथ डेबिट हो जाएंगे। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब बहुत सारे लोगों को टेलीफोन बिल पे करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, लोन का रिपेमेंट करना होगा, इन्वेस्टमेंट करनी है म्यूचुअल फंड में, तो उनके अकाउंट सभी के एक साथ डेबिट हो जाएंगे। इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, तो ये सारे आ जाएंगे NACH डेबिट में। NACH क्रेडिट का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा, आपको सैलरी मिल रही है महीने की, सब्सिडी आपको दी जा रही है, आपको डिविडेंड पे किया जा रहा है, आपको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है या आपको पेंशन पे की जा रही है, तो वो जाएगा NACH क्रेडिट, जिसमें कस्टमर का अकाउंट, मतलब बहुत सारे लोगों का अकाउंट एक साथ क्रेडिट किया जाता है। तो NACH क्या है, ये NPCI के द्वारा बनाई गई है। और NPCI कौन है? NPCI RBI की सब्सिडी है। NACH क्या काम करती है? NACH के थ्रू, जैसे होता है ना, हर चीज़ का एक नाम होता है, तो NACH नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तो ये क्या करता है, नाम से पता लग रहा है ऑटोमेटिक, मतलब इसमें किसी को कुछ मैनुअली का जरूरत नहीं है, शुरू में बस आप एक डिटेल डालते हैं, NACH वो इसको अप्रूव करता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाएगा, अकाउंट डेबिट हो जाता है। मतलब RBI इसमें मीडिएटर रहती है, जैसे मान लीजिए एक आपने देखा होगा ECS, हर महीने ECS कैसे करता है कस्टमर का, ECS में क्या होता है कि अदर बैंक, मान लीजिए कस्टमर ने लोन तो आपसे लिया पर जो उसका सैलरी अकाउंट है किसी और बैंक में, मान लीजिए लोन लिया उसने SBI से लेकिन उसको सैलरी ICICI में क्रेडिट होता है, अब कैसे, हर महीने क्या SBI वाला बैंक ICICI से पैसे मांगेगा या कस्टमर हर महीने ट्रांसफर करेगा, क्या होगा, एक मतलब ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो ऑटोमेटिक हर महीना EMI को पे करे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कस्टमर से ECS लेते हैं, तो ECS का जो हमारा डिटेल रहता है, एक प्रॉपर मैंडेट रहता है बैंकों का, उस ECS को बैंक भेजता है NACH के पास। तो SBI कस्टमर से, क्योंकि कस्टमर को उसने हाउसिंग लोन दिया, तो उस कस्टमर से ECS फॉर्म को भरवा लेगा कौन, SBI। फिर उस ECS फॉर्म का एक साइट रहता है, क्योंकि ये NACH RBI से, एक RBI का सब्सिडी, तो डेली तो विजिट नहीं करना होगा, तो एक साइट बनी होगी, तो NACH का एक साइट है जो हर बैंक अपना ID, हर बैंक का एम्प्लॉय जो भी उस पर सीट पे काम करता है, तो उसका प्रॉपर ID पासवर्ड है, NACH की एक साइट रहती है, वेबसाइट है, प्रॉपर वहाँ पे जाता है, उसका एक प्रॉपर एड्रेस रहता है, और वहाँ पे जाके अपना ID पासवर्ड से उसमें एंटर करता है, और जो भी ECS के फॉर्म्स है उसका स्कैनिंग कॉपी, ठीक है, स्कैनिंग कॉपी उसमें भेजता है। आजकल फिजिकली कुछ नहीं भेजा जाता, तो जो ECS का स्कैनिंग कॉपी वो NACH साइट पे अपलोड होता है, और NACH उसको भेजेगा ICICI के पास, ICICI के बाद बोलेगा कि क्या आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ICICI कुछ चार्ज लेगा अपना सर्विस चार्ज, 200-400 जितना भी उसको चार्ज लेना है वो उतना चार्ज लेके एक्सेप्ट कर लेगा, और वो इन्फॉर्मेशन NACH को बोलेगा कि ठीक है, हर महीने जब इसका क्रेडिट आएगा, कस्टमर का सैलरी आएगा ICICI यानी हमारे अकाउंट में, तो हम एक उसमें अमाउंट रहता है कि हर महीने इतना EMI 15,000, 20,000, 50,000, तो उतने रुपये हम डेबिट करके भेज देंगे, किसको, आपको भेज देंगे, और आप किसको भेज देना, आप SBI को भेजना, तो NACH को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पास की, और वो साइट पर बता देता है कि हाँ मैंडेट पास हो गया, तो उसमें 8 से 10 दिन का टाइम लग जाता है। एक बार अगर वो पास हो गए तो हर महीने जब भी उसका सैलरी आएगा, जो भी उसका EMI का डेट बताया होगा, उस डेट के हिसाब से हम वहाँ पे जो भी उसका फिक्स डेट रहेगा, मतलब EMI का अमाउंट रहेगा, जो ECS मैंडेट है उसमें अमाउंट रहता है, डेट रहता है, वो सारे डिटेल्स रहती है, तो जो भी डेट मेंशन होगी तो उस डेट में सैलरी क्रेडिट होगा, सैलरी जब भी क्रेडिट होगा जो डेट मेंशन होगी EMI की, उस डेट में आपको EMI के लिए SBI को पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, वही होता है NACH। तो ये RBI की सब्सिडी होती है, उसका पूरा मैंने आपको मैकेनिज्म ही बता दिया कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट में मिनिमम जो मेंबर है 2 है और मैक्सिमम
200 हैं और पब्लिक में मिनिमम 7 है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था डायरेक्ट कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड में, तो प्राइवेट में 2 to 200 ऐसे याद कीजिए, प्राइवेट मतलब 2 to 200 और पब्लिक मतलब 7 और फिर नो लिमिट। नेक्स्ट आपका आता है फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या आता है, ये सब वही क्वेश्चन है जो आपके ऑलरेडी फरवरी 2022 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया, सारे वही क्वेश्चन मैं आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वाले इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फैक्टरिंग का क्या पर्पस होता है, एक तो फैक्टरिंग होता है एक फोरफिटिंग होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले देख लेते हैं। फैक्टरिंग मतलब एक मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर है, ठीक है। एक्सपोर्टर का क्या काम है, एक्सपोर्टर का काम है कि सामान बना के बेचना, कहाँ बेचना, कहीं भी बाहर कंट्री में वो सामान को बना के बेचता है, कौन, एक्सपोर्टर, ठीक है। अब एक्सपोर्टर को सामान बना के बाहर कहीं बेचना है तो जब वो सेल करेगा मान लीजिए यूएसए में करेगा, तो बदले में उसको क्या मिलेंगे, उसको मिलेंगे पेमेंट, ठीक है, कोई करेंसी मिलेगी। लेकिन जैसे ही उसने शिपमेंट की वैसे उसको पैसे नहीं मिलेंगे, जनरली टाइम रहता है 2 महीना 4 महीना तब उसको पेमेंट मिलती है या 1 महीना ऐसे करके। तो एक्सपोर्ट के पास बस एक बिल होता है जो कि एक्सपोर्ट बिल है, जिसमें प्रूफ रहेगा कि हाँ उसने शिपिंग की है, ठीक है। तो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स ये सारे प्रूफ रहते हैं कि हाँ मैंने गुड्स बना के सामान बना के आपको भेज दिया, तो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस वो सारे प्रूफ रहते हैं एक्सपोर्टर्स के पास, और वही ऐसे प्रूफ है जिससे इम्पोर्टर उसको पेमेंट करते हैं। तो ठीक है, अब इम्पोर्टर पेमेंट करेगा, लेकिन अभी फैक्टरिंग का कंसेप्ट क्या हुआ, फैक्टरिंग का कंसेप्ट ये होता है कि उसके पास सिर्फ एक प्रूफ है और उस प्रूफ में लिखा कि हाँ मान लीजिए $1,00,000 का उसने गुड्स बना के बेचा, तो $1,00,000 आने वाले हैं, पर उसका टाइम है 2 महीना 4 महीना ऐसा टाइम हो सकता है। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा उस केस में, क्या वो 2-4 महीना खाली बैठा रहेगा, क्या वो वेट करेगा इस चीज़ का कि कब मेरी पहली पेमेंट आएगी तब मैं कुछ काम शुरू करूँगा, वो फिजिबल नहीं है। उसकी जो एक्टिविटी उसको करते रहनी पड़ेगी, ऐसा रुक नहीं सकता, 4 महीना किसका ऐसा वेट नहीं कर सकता। तो बेटर तरीका क्या, बैंक। बैंक इसमें बहुत मदद करता है। बैंक जनरली करता क्या कि एक्सपोर्टर से बैंक जो उसके रिसीवल्स है, रिसीवल किसको बोला जाता है, उन पेपर्स को बोला जाता है रिसीवल, जो इस बात का प्रूफ होते हैं कि हाँ एक्सपोर्टर ने एक्सपोर्ट किए हैं और उसको पेमेंट मिलेगा, पर उसमें टाइम भी रहता है कि हाँ 2 महीने बाद या 4 महीने बाद पेमेंट मिलेगा। तो बैंक क्या करता है, उस रिसीवल को अपने पास ले लेता है और बदले में पूरा नहीं, मतलब मान लीजिए रिसीवल का वैल्यू $1,00,000, तो उसका 70% 75 to 80% मैक्सिमम 80% तक का बैंक, मतलब 75 to 80% का रेंज होता है, मैक्सिमम 80% तक का बैंक फाइनेंस करता है। तो जो $1,00,000 का बिल है तो बैंक 80,000 डॉलर तक की मैक्सिमम उसको पैसे दे सकता है। अभी क्या बैंक फ्री में देगा, नहीं, बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। जनरली बैंक आपको लोन देता है, हाउसिंग लोन, इन सब के लिए बैंक आपसे सिक्योरिटी ले लेता है, चलिए घर, हाउसिंग लोन में तो घर ही सिक्योरिटी हो गया। एजुकेशन लोन हाई अमाउंट का तो बैंक कॉलेटरल सिक्योरिटी मांगता है, और मतलब जब भी बैंक कोई लोन देता है तो एक सिक्योरिटी के तौर पे ही देता है। तो यहाँ पे जो फैक्टरिंग है इसमें सिक्योरिटी होती है वो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, जो उस पद का प्रूफ होते हैं कि हमारे एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलेगी, ठीक है, वही सिक्योरिटी है। और इसमें जो भी 80%, जैसे फाइनेंस मैंने बोला $80,000 दिए, तो $80,000 पे बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, ठीक है। बैंक इसमें इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, और जिस डेट पे पेमेंट बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में आ जाएगी, जैसे जो एक्सपोर्टर का पेमेंट है इंपोर्टर भेजेगा यूएसए से, तो बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जिस दिन बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा उस दिन तक इंटरेस्ट कस्टमर से बैंक चार्ज करता है, ठीक है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि फैक्टरिंग में किस डे तक इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो उस दिन तक इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंक जिस दिन बैंक का नॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उस दिन तक नहीं करेगा जिस दिन कस्टमर का अकाउंट बैंक क्रेडिट करेगा, नहीं, जिस दिन बैंक को मिल गया पैसा, क्योंकि इंटरेस्ट तो बैंक चार्ज कर रहा है और उस पैसे के लिए चार्ज कर रहा है जो बैंक ने लोन के तौर पे दिया, और ये पैसा जब बैंक को मिल चुका है इंपोर्टर के द्वारा जो कि यूएसए में किसी भी और कंट्री में, तो जब इंपोर्टर ने पैसे दे दिए तो बैंक उसे इंटरेस्ट क्यों चार्ज करेगा। तो इसमें बैंक 80% तक का जो भी डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्ट आप बोलिए रिसीवर्स, उसकी सिक्योरिटी पे कस्टमर्स को क्या करता है, इसका नाम है प्रॉपर इनवॉइस डिस्काउंटिंग, मतलब इनवॉइस होगा 1,00,000 का तो उसका डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंट मतलब कम पैसा देंगे, देंगे पैसा लेकिन कम देंगे, उसको बोला जाता है डिस्काउंटिंग। 1,00,000 का 80% कितना हो गया 80,000, तो 80,000 तक उसको देगा, वही होता है फैक्टरिंग। और इंटरेस्ट किस दिन, उस 80,000 पर बैंक प्रॉपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, और इंटरेस्ट उस दिन तक चार्ज करेगा जिस दिन बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट कौन करेगा बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में, वो जो इंपोर्टर है यूएसए में कोई और कंट्री जिसको हमारे एक्सपोर्टर ने गुड्स भेजे एक्सपोर्ट किए, वो बैंक के नॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट करेगा। तो उस दिन तक बैंक एक्सपोर्टर से इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। तो वही लिखा है कि इसमें रिसीवल के तहत जो है कंपनी जो है उसके जो डेब्ट है उसको एक तरह से बाय कर रही है, और फैक्टरिंग को आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग बोल सकते हो। इनवॉइस क्या मतलब, बिल को डिस्काउंट कर रहा है, बिल में लिखा है 1,00,000, तो 1,00,000 का बैंक डिस्काउंट करेगा। और ये बहुत ही कॉमन मेथड है जो कि एक्सपोर्टर यूज करते हैं टू हेल्प एसिलेट देयर कैश फ्लो, मतलब उनको पैसा चाहिए, कैश चाहिए, तो ये बैंक के पास जाके वो ले सकते हैं। इसमें लिमिट है कितना, 80% ऑफ इनवॉइस, जो भी इनवॉइस वैल्यू है तो उसका 80% तक बैंक इसमें फाइनेंस कर देता है, किसको, एक्सपोर्टर को। ये क्वेश्चन था फैक्टरिंग क्या होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फोरफिटिंग, ये भी क्वेश्चन पूछा था, फोरफिटिंग क्या होता है। तो फोरफिटिंग आप मान सकते हैं कि फैक्टरिंग का ही भाई है,
जो फोरफिटिंग होता है इसमें जनरली होता क्या है कि इसमें पूरा 100% फाइनेंस होता है, ठीक है। लेकिन फोरफिटिंग में बैंक ऐसे ही फाइनेंस नहीं कर देता। मान लीजिए बैंक ने किसी कस्टमर को बोला कि तुम चिंता मत करो, बिल मैं ले लेता हूँ और तुम्हें मैं पूरा इस बिल का अमाउंट है $1,00,000, मैं आपको $1,00,000 दे देता हूँ, क्या बैंक ऐसा बोलेगा? क्या 100% फाइनेंस होता है तो क्या इसमें सिक्योरिटी देगी? तो फोरफिटिंग के लिए बैंक प्रॉपर सिक्योरिटी लेता है, उसके बाद ही फोरफिटिंग की सुविधा देता है, पहली बात। दूसरी बात, जनरली फोरफिटिंग में बैंक करता क्या है, जो इम्पोर्टर है यानी जो यूएसए का पर्सन है जो आपके एक्सपोर्टर से सामान खरीद रहा है, उस इम्पोर्टर का जो एक बैंक होगा उस बैंक से बैंक गारंटी मांग लेता है कि तुम एक काम करो, इम्पोर्टर को बोलेगा तो अपने बैंक से जाके बोलो कि इम्पोर्टर यानी कि तुम पेमेंट कर दोगे इस डेट पे, तब मैं अपने कस्टमर को, अपने एक्सपोर्टर को 100% फाइनेंस कर दूंगा। तो इम्पोर्टर जाके अपने बैंक से बोलेगा कि इस डॉक्यूमेंट्स के तहत हमारे एक्सपोर्टर्स को जो है फोरफिटिंग बैंक करेगा, तो आप उस बैंक को, किसको, जो फोरफिटिंग परचेज कर रहा है बैंक से, तो उस बैंक को गारंटी दो कि मैं यानी कि इम्पोर्टर पेमेंट कर दूंगा। तो जब इम्पोर्टर का बैंक गारंटी दे देता है तो बैंक को कोई खतरा नहीं, क्योंकि इम्पोर्टर से नहीं पैसा, तो इम्पोर्टर की गारंटी बैंक ने दी है। अगर इम्पोर्टर डिफॉल्ट कर भी जाता है तो वो जो बैंक है वो पे कर देगा, इम्पोर्टर का बैंक, ठीक है। तो इसीलिए बैंक फोरफिटिंग में आसानी से 100% तक का फाइनेंस कर देता है। इसमें बैंक प्रॉपर इंटरेस्ट रेट तो चार्ज करेगा, जैसा फैक्टरिंग में होता है, उस दिन तक चार्ज करेगा जब तक बैंक को उसके पैसे नहीं मिल जाएंगे। और जो एक्सिम बैंक है इंडिया में, वही फैक्टरिंग और फोरफिटिंग ये वाली सुविधा हमारे एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स कस्टमर्स को देते हैं, एक्सपोर्टर्स को ये सुविधा देते हैं। सो ये भी फाइनेंस है जिससे जो एक्सपोर्टर है उनको इमीडिएट कैश मिल जाता है बाय सेलिंग देयर। तो ये मीडियम और लॉन्ग टर्म के जो रिसीवल्स होते हैं जनरली उसमें होता है, तो मीडियम और लॉन्ग टर्म के रिसीवल वो बैंक को बेच देता है और उनको पेमेंट मिल जाता है, और इसमें पूरा 100% फाइनेंस मिल जाता है किसको, एक्सपोर्टर को। तो फैक्टरिंग और फोरफिटिंग, जो इससे पहला क्वेश्चन था, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि फैक्टरिंग में मैक्सिमम 75-80% तक का पैसा मिलता है, फोरफिटिंग में 100%। एक और डिफरेंस रहता है कि फैक्टरिंग में जो है ये विदाउट रिकोर्स दोनों तरह से हो सकते हैं। विदाउट विदाउट रिकोर्स का मतलब जो एक्सपोर्टर है, अगर मान लीजिए इम्पोर्टर ने पैसा नहीं दिया तो बैंक एक्सपोर्टर जाके बोल सकता है, जिसको बोलते हैं विद रिकोर्स। बैंक एक्सपोर्टर को जाके बोल सकता है कि वहां से पैसा नहीं आया, तुम पैसे दो, बैंक ऐसे बोल सकता है एक्सपोर्टर को, उसको बोला जाता है विद रिकोर्स फॉर फैक्टरिंग। ऐसी एक होती है विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग, मतलब दोनों तरह से हो सकती है, वो बैंक और एक्सपोर्टर के आपस में जैसा भी उनका एग्रीमेंट हुआ होगा उसी हिसाब से होगा, और मतलब ऑप्शन दोनों अवेलेबल है फैक्टरिंग में, विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स। तो विद रिकोर्स का मैंने बताया इसमें क्या होता है, ऐसे एक होता है विदाउट रिकोर्स। विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग में क्या होता है, नाम से पता लग रहा, विदाउट मतलब आप एक्सपोर्टर को कुछ नहीं बोल सकता। अगर इंपोर्टर ने पैसे नहीं दिए तो बैंक एक्सपोर्टर को कुछ नहीं जाके बोल सकता, बैंक खुद लीगल एक्शन लेगा इंपोर्टर के खिलाफ, लेकिन एक्सपोर्टर को परेशान नहीं करेगा। उसका नाम होता है विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग, मतलब डिस्टर्ब नहीं करना, विदाउट, नाम से ही पता लग रहा, विदाउट रिकोर्स मतलब आप एक्सपोर्टर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कुछ नहीं बोल सकते। इंपोर्टर को बोलिए पैसा नहीं दिया उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन लीजिए, पर एक्सपोर्टर को परेशान मत कीजिए, ठीक है। तो फैक्टरिंग विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स दोनों तरह से हो सकती है, लेकिन अगर हम बात करें फोरफिटिंग की, ये 100% विदाउट रिकोर्स होती है। विदाउट रिकोर्स मतलब इसमें आप एक्सपोर्टर को जाके कुछ नहीं बोल सकते, पेमेंट नहीं आई, आप अपना लीगल एक्शन लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आप एक्सपोर्टर को कुछ नहीं बोल सकते। तो फोरफिटिंग हमेशा विदाउट रिकोर्स होती है और ये 100% फाइनेंस करती है। मैंने दोनों में आपको थोड़ा डिफरेंस भी इसमें बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज राइट ऑफ सेटअप। राइट ऑफ सेटअप मतलब बैंकों का एक लीगल राइट होता है, जिससे जैसे मान लीजिए कस्टमर के एक अकाउंट में, कस्टमर के पास दो तीन अकाउंट है, एक सेविंग बैंक है, एक लोन है, लोन में पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, बैंक का जो लोन अकाउंट है उस पर कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा, ईएमआई नहीं पे कर रहा, फिर बैंक ने चेक किया उसका अकाउंट, अरे उसका जो डेबिट बैलेंस, मतलब जो उसका सेविंग बैंक है उसमें अच्छा खासा क्रेडिट बैलेंस है। मान लीजिए अरियर अमाउंट था कितना, 1,00,000 का अरियर हो गया, 3-4 महीने हो गए कस्टमर ने नहीं पे किया, और 25,000 का हर महीने ईएमआई जाता है, ठीक है, एनपी हो गया, लेकिन चेक किया उसका सेविंग बैंक में क्या बैलेंस है। चलिए बैंक करते हैं ना, बैंकों में ऐसा एनपीए जो कस्टमर है उनके अकाउंट में चेक करते हैं, अगर बैलेंस है तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक राइट होता है, राइट टू सेट ऑफ, राइट ऑफ सेट ऑफ, उसी राइट के तहत ऐसा होता है। तो ये बैंकों का लीगल राइट है कि कस्टमर अपने पैसे नहीं पे कर रहा तो उसके बाकी किसी अकाउंट में अगर पैसा है तो उसको बैंक ट्रांसफर कर देता है उस लोन वाले अकाउंट में, वही होता है राइट ऑफ सेट ऑफ, ठीक है। तो किसी में अगर डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट वाला बैलेंस का अकाउंट उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसमें डेबिट बैलेंस है। लोन में जनरली आप डेबिट बैलेंस बोल सकते हो, तो उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। हो गया राइट ऑफ सेट ऑफ। इसमें बोला राइट ऑफ सेट ऑफ इज अ लीगल राइट बाय डेबिटर टू रिड्यूस द अमाउंट ओन टू अ क्रेडिट बाय ऑफसेटिंग अगेंस्ट इट एनी अमाउंट ओन बाय द क्रेडिट। एग्जांपल के तौर पे बैंक जो भी कस्टमर का बैंक अकाउंट है उसको बैंक सीज कर सकता है, मतलब उसमें बैंक होल्ड डाल सकता है, उसके पैसे को लोन में ट्रांसफर कर सकता है। तो मतलब बैंक का ये लीगल राइट है जिसके तहत वो अपने लोन की रिकवरी करते हैं, ठीक है, वही मेन हो गया आपका राइट ऑफ सेट ऑफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, वट इज़ LTV फॉर गोल्ड लोन। LTV का फुल फॉर्म होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। अभी LTV रेशियो क्या होता है वो समझ लेते हैं, फिर गोल्ड लोन का कितना वो हम देख लेंगे। लोन टू वैल्यू रेशियो, मान लीजिए कस्टमर ने लोन टू वैल्यू, मान लीजिए कस्टमर के पास लोन है, ठीक है, सॉरी गोल्ड है, मान लीजिए उसके पास गोल्ड है और गोल्ड की वैल्यू है 1,00,000,
ठीक है, तो क्या बैंक उस 1 लाख के गोल्ड की कीमत के बदले 1 लाख का उसको पूरा लोन दे सकते हैं? नहीं, नहीं दे सकता। ठीक है, तो वही है लोन टू वैल्यू, मतलब कितना हम लोन दे रहे हैं और बदले में आप कितनी वैल्यू की सिक्योरिटी हमारे पास रख रहे हैं। जैसे एफडी मान लीजिए, एफडी में जनरली बैंक इतना मार्जिन नहीं रखता है, तो एफडी का वैल्यू है 1 लाख और उसके बदले लोन आप कितना दे रहे हैं? जनरली जितना भी वैल्यू होता है, जो भी सिक्योरिटी का वैल्यू होता है, उसमें से कुछ जो लोन अमाउंट है वो हमेशा कम ही रहता है। तो लोन टू वैल्यू मतलब लोन आपको न्यूमरेटर में रखना है और जो भी वैल्यू है मतलब जो आप सिक्योरिटी दे रहे हो उसको डिनोमिनेटर में रखना, वही होता है लोन टू वैल्यू। तो किसी चीज़ का अगर वैल्यू होगा, मान लीजिए घर होगा, कोई घर है, घर का कीमत है 40, मान लीजिए 50 लाख, तो 50 लाख उसकी वैल्यू होगी। तो क्या बैंक 50 लाख के लिए पूरा का पूरा 50 लाख का लोन देगा? नहीं, बैंक 40 लाख, 45 लाख ऐसा लोन दे सकते हैं। तो लोन का वैल्यू हो गया 40 से 45 लाख, जितना भी बैंक उसको सैंक्शन कर रहा है, और वैल्यू हो गई उस घर की 50 लाख। ठीक है, तो 45 to 50 वही हो गया एलटीवी। तो गोल्ड लोन के लिए क्या एलटीवी रेशियो? तो देखिए हुआ क्या था कि जब कोविड पैंडमिक था, तो उस टाइम तो अगस्त में आरबीआई ने डिक्लेयर किया था कि जो है लोग, अब लोगों के पास जॉब्स नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करें, तो इसलिए बैंक थोड़ा सा लोगों की मदद कर सके। तो आरबीआई ने आदेश दिया था उस टाइम पे कि पहले एलटीवी हुआ करता था 75%, मतलब अगर सोने की कीमत है मान लीजिए 100 रुपये, तो 75 रुपये लोन के तौर पर दिया जाता था। ठीक है, तो वो था एलटीवी। तो गोल्ड लोन के लिए ऐसा था कि अगर आपके आपके पास जो गोल्ड आप दे रहे ज्वेलरी, उस गोल्ड की कीमत है 100 रुपये, तो बैंक आपको 75 रुपये तक का मैक्सिमम लोन दे सकता है। एलटीवी था 75%, उसको बढ़ा के 90 कर दिया। इसका रीज़न क्या? इसका रीज़न ये है कि अभी 100 रुपये का आप सोना दोगे तो 90 रुपीज़ मिलेंगे, ताकि लोगों को पैसे मिल जाए, और जिसके पास जॉब नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा पैंडमिक सिचुएशन, तो उससे निपटने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, लेकिन है जब भी आप गोल्ड अनामट की प्लेज करते हो और उस पर्पस में जो भी ज्वेलरी आप देते हो, तो उसका वैल्यू का जो लिमिट था एलटीवी, जो कि 75% था, उसको 90% कर दिया था। फिर इसमें बोला भी था कि जो एलटीवी जो एप्लीकेबल रहेगा, ये कब तक रहेगा? 31 मार्च 2021 तक रहेगा। ये 20 अगस्त में डिक्लेरेशन किया था, 2020 अगस्त में डिक्लेरेशन किया था इसका, कि 31 मार्च 2021 तक जो एलटीवी रेशियो है वो 75 से 90% हो जाएगा। टू एनेबल द बोरोवर्स टू टाइड ओवर देयर टेम्पररी लिक्विडिटी मिसमैच। तो कोविड की वजह से उनको टेम्पररी जो लिक्विडिटी मिसमैच हो रहा है, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है, तो उसको निपटने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। तो उसके बाद बोला कि जो फ्रेश गोल्ड लोन, यानी कि जो ऑन और आफ्टर, यानी कि 1 अप्रैल और उसके बाद से, 1 अप्रैल और उसके बाद से, 2021 के बाद से, 1 अप्रैल 2021 के बाद से जितने भी गोल्ड लोन दिए जाएंगे, जो फ्रेश जो नए गोल्ड लोन होंगे, उसमें एलटीवी रेशो 75 भी रहेगा। तो मतलब कोविड टाइम के लिए बढ़ाया था 75 to 90। फिर बोला था ये जो मार्च आपका, सॉरी अप्रैल 2021 के बाद से जो भी फ्रेश लोन दिए जाएंगे वो क्या होंगे, वो आपका 75% ही होगा। ठीक है, तो अभी की बात करें तो अभी फिर से 75% का ही एलटीवी रेशो। तो क्वेश्चन यही था कि एलटीवी रेशो क्या है गोल्ड के लिए, आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बेलर एंड बेली? ये क्या होता है? बेलमेंट का कंसेप्ट क्या होता है? बेलमेंट के कंसेप्ट में क्या होता है कि कोई पर्सन है किसी, जैसे बेलमेंट को आप बेस्ट एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी दुकान में जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप या कोई सर्विस के लिए कोई चीज़ दे रहे हैं, लैपटॉप सर्विस के लिए दे रहे हैं कुछ भी, तो आप लैपटॉप वाली दुकान में जहाँ पर सर्विस होती है वहाँ पर अपना अपना लैपटॉप दे के गए। एक पर्पस रहता है हमेशा। ठीक है, पर्पस क्या है कि लैपटॉप का उसको देखना है, उसको चेक करना है, उसमें आपको रिपेयर करना है। तो पर्पस है लैपटॉप रिपेयर करना, उसके बदले में दुकानदार जो है आपसे कुछ चार्ज करेगा, मान लीजिए उसे 1000 रुपये या 1500 कुछ भी चार्ज कर सकता है आपके लैपटॉप रिपेयर करने के लिए। ठीक है, और जब लैपटॉप रिकवर हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, तब आप उसे लैपटॉप वापस ले लेंगे और आप उसका फी उसको पे करेंगे, वही होता है बेलमेंट। ठीक है, तो बेलमेंट में दो आएंगे, एको का बेलर, एको का बेली। वही क्वेश्चन है कि बेलर बेली कौन होता है? बेलर यानी कि आपका नाम है मिस्टर ए मान लीजिए, मिस्टर ए अगर दुकान में जा रहा है तो मिस्टर ए होगा बेलर। ठीक है, बेलर मतलब जो उस चीज़ का मालिक है, जिस चीज़ के रिपेयर, लैपटॉप के मालिक आप हैं तो आप होंगे बेलर, और जिसको आप लैपटॉप दे रहे हो वो जो दुकानदार है जो आपके लैपटॉप को रिपेयर करेगा, दुकानदार हो गया बेली। ठीक है, तो जो सामान है, जो चीज़ है, उसका जो मालिक है वो होगा बेलर, और जो दुकानदार है वो बेली। तो बेलमेंट हमेशा कहाँ होती है? यहाँ पर एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, और जैसे पर्पज़ पूरा हो जाएगा वैसे वो चीज़ आपको वापस मिल जाएगी। आप अपनी बाइक सर्विस के लिए देते हैं दुकान में, मैकेनिक शॉप में, तो वो जो बाइक है, बाइक के ऑनर आप है तो आप हो गए बेलर, और वो जो मैकेनिक शॉप वाला वो हो गया बेली। ठीक है, इसमें एक फ़ी चार्ज किया जाता है, तो इसमें भी बहुत डिटेल में आपका, काफ़ी डिटेल में तो लीगल में दिया हुआ है, पर फिर भी ये क्वेश्चन देखिए लीगल का था और ये आपके प्रिंसिपल के एग्जाम में पूछा गया अभी फरवरी 2022 में, तो आपका ऐसे ही आजकल चल रहा है एग्जाम में होता क्वेश्चन वहाँ का, ये टॉपिक वैसे प्रॉपर लीगल का है। ठीक है, इसको प्रिंसिपल में पूछ लेगा, तो ऐसे भी हो जाती है कुछ टर्म्स आप नहीं बोल सकते कि प्रिंसिपल में नहीं पूछ सकते, उसमें भी ऐसे पूछ लेते हैं। तो बेलमेंट का मैंने आपको कंसेप्ट पता है, एक स्पेसिफिक पर्पज हो, ऐसे ही प्लेज होता है, प्लेज हमेशा लोन वाली टर्म में यूज होता है। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप सोना गोल्ड गिरवी कराते हैं किसके, बैंक के पास, तो वो होता है प्लेज। बेलमेंट में क्या होता है कि आप सामान रिपेयर के लिए भेज रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए आप चीज़ को रखते हैं, जैसे वो पर्पज पूरा होता है तो आप उसको वापस कर देते, तो वो होता है बेलमेंट। तो बेलमेंट और प्लेज में ये डिफरेंस हो गया। प्लेज में लोन
हम लेते हैं वो हमारा प्लेज होता है, और बेलमेंट में किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आप चीज़ देते हैं, और जैसे पर्पज़ पूरा हो जाए, पर्पज़ क्या, रिपेयर कराना, ठीक कराना, अपनी बाइक की सर्विस कराना, इस तरह की चीज़ें आपके बेलमेंट के एग्जाम्पल में आ जाएंगी। तो जो ऑनर है यानी आपका लैपटॉप, आप बेलर हो जाएंगे और दुकानदार हो जाएगा बेली। आपकी बाइक है तो आप हो गए बेलर और वो मैकेनिक शॉप वाला हो जाएगा बेली। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी पूछा था, विच फॉर्म यूज फॉर नॉमिनेशन, मतलब नॉमिनेशन आपको क्रिएट कराना है, आपको कैंसिल कराना है, मॉडिफाई करना है, तो कौन कौन से फॉर्म है, लाइन से है, D1, D2, D3। तो नॉमिनेशन क्रिएट कराना है तो D1, नॉमिनेशन कैंसिल कराना है, मतलब जनरली क्रिएट कराना मतलब आपके अकाउंट में कोई नॉमिनी नहीं था, अब आपकी एज काफ़ी हो गई है और आप चाहते हैं मेरे अकाउंट में एक नॉमिनी होना चाहिए, तो आपने नया नॉमिनी क्रिएट कराना है बैंक से। तो बैंक के पास जाओगे, बैंक एक फॉर्म देगा जिसका नाम होगा DA1, ठीक है, DA1, D1 ऐसे बोलिए। ऑलरेडी कोई नॉमिनी था, अब उस नॉमिनी, उसको आप नॉमिनी हटाना चाहते हैं, आपका उससे कुछ बहसबाजी होगी और आप नहीं चाहते कि वो आपके अकाउंट में नॉमिनी रहे, तो आप नॉमिनी को कैंसिल कराना चाहते हैं, ठीक है, तो बैंक बोलेगा डी टू फॉर्म, डी ए से बोलते हैं, डी ए टू फॉर्म ऐसे लेके आओ। मॉडिफिकेशन, ऑलरेडी कोई नॉमिनी है आपके अकाउंट में और आप चाहते हो कि उसको मॉडिफाई करके मतलब दूसरे को नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, तो बैंक बोलेगा DA3 फॉर्म लेके आओ, D3। तो क्रिएशन ऑफ नॉमिनेशन के लिए DA1, कैंसिलेशन नॉमिनेशन को हटाने के लिए होता है D2, इसको आप कैंसिलेशन भी बोल सकते हो, डिलीट भी बोल सकते हो, ठीक है, डिलीट करना, नॉमिनी को हटाना, कैंसिल करना। और मॉडिफिकेशन के लिए मतलब ऑलरेडी एक नॉमिनी आप उसको मॉडिफाई करके दूसरे को जोड़ना चाह रहे हैं, दूसरे को नॉमिनी बनाना चाह रहे हैं, तो जाएगा DA3 या D3, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट। आपने जनरली अगर आप NPA डिपार्टमेंट में काम कभी किए होंगे तो 138 के तहत प्रॉपर नोटिसेज भेजे जाते थे जिसमें आप लिखते थे हेडिंग सेक्शन 138। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 क्या बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कस्टमर ने क्या किया, चेक्स, अभी तो खैर अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट होता है यानी कि SI ECS होता है, लेकिन पहले ज़्यादातर चेक से होता था, हर महीने जो है कस्टमर बहुत सारी चेकली बैंक को देता था और वो चेकली बैंक प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, तो कस्टमर ने बैंक से लिया हुआ है लोन और बदले में वो चेक से अपना रिपेमेंट करता है हर महीने, बैंक ने चेक प्रेजेंट किया और पता लगा उसमें बैलेंस नहीं, वो चेक हो गया डिसऑनर, तो सेक्शन 138 के तहत बैंक कस्टमर के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है, वो ये सेक्शन 138। तो ये किस टाइम पे आप सेक्शन 138 लगा सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 138 बोलता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कौन सा, 1881 वाला, तो उसके सेक्शन 138 में लिखा है कि एक चेक एक कस्टमर का हमने क्लियरिंग के लिए भेजा, और फिर किसके लिए, पर्पज़ था कि डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, जब उसने लोन लिया उसको डिस्चार्ज के लिए, उसके पेमेंट के लिए, लेकिन इनसफिशियंसी ऑफ फंड की वजह से वो चेक आपका रिटर्न हो गया, ठीक है, और द रीज़न फॉर द अमाउंट एक्सीड्स द अरेंजमेंट मेड विद, तो या फिर रिटर्न हो गया कि इनसफिशियंट फंड नहीं है, मतलब प्रॉपर पैसा नहीं है, तो उस केस में सेक्शन 138 एप्लीकेबल होता है। तो इसमें क्या पनिशमेंट दी जा सकती है कस्टमर को, लीगल एक्शन आप उसके खिलाफ ले सकते हो, और अगर डिसऑनर हो जाता है चेक, मतलब कस्टमर ने आपको चेक दिया पर उसकी पेमेंट उसमें पैसा ही नहीं, तो कैसे आप उसको ट्रांसफर करोगे लोन वाले अकाउंट में, तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और उसमें जो पनिशमेंट होगी आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है और मॉनिटरी पेनल्टी भी आपको लगाई जा सकती है, या दोनों भी हो सकता है। अगर पे डिसाइड्स टू प्रोसीड लीगली देन द ड्रॉयर शुड बी गिवन अ चांस, और जब भी पे कौन होगा, बैंक होगा, ठीक है, तो बैंक ने जब सोचा कि लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन ड्रॉयर को एक चांस मिलना चाहिए कि अगर वो चेक का जो भी अमाउंट है इमीडिएटली पे कर देता है तो उस केस में जो है लीगल एक्शन उसको रोका भी जा सकता है, ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 138। चलिए कुछ क्वेश्चन हमने इस वाले पार्ट में डिस्कस किए और इससे नेक्स्ट पार्ट में कुछ और आपके फरवरी 2022 के जो क्वेश्चन पूछे गए उनको हम अगले वाले पार्ट में कुछ और डिस्कस करेंगे, इसे एक बार आप देख लीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।